हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू सोनिया बटर नॉन वेज किचन। और आई एम श्योर ये चिकन राइस देख के आपको यमी तो बहुत लग रहे होंगे। ट्रस्ट मी, इसको बनाना भी बहुत ही सिंपल है। शेयर करूंगी ये डिलिशियस फ्राइड चिकन मसाला राइस आज आपके साथ। अगर पसंद आई ये वीडियो तो इसको लाइक ज़रूर से देखे जाइएगा और साथ साथ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे शुरू करते हैं। सबसे पहले इसके लिए यहाँ पर हमने लिया है 1 किलो चिकन, मीडियम साइज़ के चिकन के पीसेस हैं, जिसमें डाला है ये 1 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट, 1/4 कप इसमें मैंने डाली है दही, हंग कर्ड या बिल्कुल बिना पानी की कर्ड का आपको इस्तेमाल करना है, नमक डाल दिया है इसमें, साथ में 1 चम्मच गया है कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच डाला है धनिया पाउडर, बहुत थोड़ी सी 1/4 चम्मच हल्दी, 1/2 चम्मच ब्लैक पेपर पाउडर, ये 1 चम्मच इसमें गया है गरम मसाला। उसके साथ साथ इसमें डालेंगे 1 से 1.5 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल और अच्छे से अब कोट करेंगे चिकन के पीसेस पे ये सारे मसाले, योगर्ट और जिंजर गार्लिक पेस्ट को। और ये तैयार हो गया हमारा बेसिक एक मैरिनेट, जिसमें हम चिकन को मैरिनेट करके रखेंगे थोड़ी देर के लिए, जिससे कि चिकन के पीसेस और भी टेंडर रहें, जूसी रहें जब हम इसको फ्राई करें। तो थोड़ा सा लेमन जूस इसके ऊपर इस तरीके से स्क्वीज़ कर रही हूँ मैं, और बस ये बिल्कुल रेडी। अब हमारा चिकन, इसको अब हम ढक कर रख देंगे करीब करीब 45 मिनट्स टू 1 आवर। ज़्यादा देर के लिए भी आप चाहें तो इसको रख सकते हैं, जिससे कि और फ्लेवरफुल रहता है चिकन। जितना आपके पास टाइम है उसके अकॉर्डिंगली आप इसको रख सकते हैं। मैं इसको यहाँ पे 45 मिनट्स टू 1 आवर के लिए रख रही हूँ। अब यहाँ पर चावल ले रही हूँ मैं, ये बासमती सैला राइस है। 3 कप ये चावल लिए मैंने, जिसको अच्छे से वॉश करके और उसके बाद इसको भिगो के रख देना है। इसको भी अप्रॉक्सीमेटली 1 आवर के लिए हम रख देंगे। तो 1 आवर तक मैंने चिकन को रख दिया था, रेफ्रिजरेट करा था, और उसके बाद 15 मिनट इसको बाहर रहने दिया। जब ये रूम टेम्परेचर पर आ गया तो इसको अब हम कर रहे हैं स्टर फ्राई। अप्रॉक्सीमेटली 3 to 4 टेबल स्पून ऑफ तेल को गर्म करा है और उसके अंदर डाल दिए इस तरीके से ये सारे चिकन के पीसेस। तो जो दही है और जो चिकन है वो अपना इतना मॉइस्चर छोड़ता है, उसी में हम चिकन को पकाएंगे। फ्लेम को धीमा कर देंगे और इसको कम से कम 20 मिनट के लिए इस तरीके से पकने देंगे। अब चलते हैं राइस प्रिपरेशन के लिए। यहाँ पे 3-4 टेबल स्पून तेल को मैंने गर्म करा है, जिसमें डाले हैं 2-3 तेज़पत्ता, 1 दालचीनी का टुकड़ा, 2-3 हरी इलायची और लौंग, साथ में 1/2 चम्मच ब्लैक पेपर और 1 चम्मच ज़ीरा। उसके बाद इसमें मैंने डाल दिए ये 2 मीडियम साइज़ की फाइनली डाइस की हुई प्याज, और प्याज को स्टर फ्राई करेंगे। यहाँ पर चिकन को चेक कर लेते हैं, ये देखिए कितना अमाउंट ऑफ वाटर इसमें नज़र आ रहा है, जिसमें चिकन जो है हमारा कम्प्लीटली पक जाएगा। तो इसको वापस से ढक्कन ढक के धीमी आंच पे पकने देंगे, जब तक मॉइस्चर इसका पूरा ख़त्म नहीं होता। प्याज हमारी हल्की सी पक गई है, तो इसके अंदर डाल दिया है 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट और 3-4 हरी मिर्चें। प्याज को यहाँ पर ब्राउन नहीं करना है, बस इसका कच्चापन चला जाए तब आप चीज़ें इसमें डाल सकते हैं। अब इसके अंदर 2 रफली चॉप किए हुए डाल दिए हैं मैंने टमाटर, और अच्छे से इसको मिक्स करने के बाद इसमें अब डाल देंगे नमक और ढक्कन ढक के इसको 2-3 मिनट तक पकाते हैं, जब तक टमाटर थोड़े से मशी हो जाएं। ये देखिए टमाटर हमारे अच्छे से सॉफ्ट नज़र आ रहे हैं। तो अब इसके अंदर हम डालेंगे वेजीज, आप अपनी पसंद के कोई भी वेजीज का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं यहाँ पर रेड और ग्रीन बेल पेपर का इस्तेमाल कर रही हूँ, 1 मीडियम साइज़ की चॉप करके, जिससे कि कलरफुल लगते हैं राइस सर्व करते टाइम। अब इसके अंदर डालेंगे हम 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 2 चम्मच मैं इसमें डाल रही हूँ ये धनिया पाउडर, और 1/2 चम्मच इसमें जा रही है हल्दी, साथ में इसमें डाल रही हूँ ये 1 चम्मच गरम मसाला, और 2 ये चिकन स्टॉक के जो क्यूब्स आते हैं मैगी के, वो मैंने 2 इसमें ऐड करे हैं। बस अच्छे से मसाले के साथ करेंगे इसको मिक्स, और उसके बाद हम इसमें डालेंगे जो हमने चावल भिगोकर तैयार करे थे वो, और अच्छे से चावलों को इसके साथ मिक्स करेंगे। तो अब हमें चावल के अंदर ऐड करना है पानी। अप्रॉक्सीमेटली डबल पानी ऐड किया जाता है चावल पकाने के लिए, तो मैंने 3 कप्स राइस लिए थे, तो मैं यहाँ पर 6.5 to 7 कप्स पानी इसमें डाल रही हूँ, थोड़ा सा बढ़ाकर। और अब इसमें हम आने देंगे उबाल, जब तक हम चलते हैं चेक करते हैं चिकन को। तो चिकन हमारा कम्प्लीटली पानी इसका सूख गया था, सूखने के बाद भी मैंने इसको थोड़ी देर और पकाया, और इतना इसको आपको पकाना है कि ऑयल इसमें से अलग होने लग जाए और इस तरीके से ब्राउन कोटिंग नज़र आने लग जाए आपको पीसेस पे। बेसिकली आपको चिकन को स्टर फ्राई करना है अच्छे से, और इसी तरीके के पीसेस का मज़ा आता है इस चिकन मसाला राइस में। एक एडिशनल स्टेप, मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ ड्राइड हर्ब्स, जैसे कि बेसिल, ऑरिगैनो, आप मिक्स ऑफ हर्ब्स ऐड कर सकते हैं, थोड़ा और फ्लेवर इंक्रीज हो जाता है जिससे। अब चलते हैं एक रायता बना लेते हैं जो इस मसाला राइस के साथ हम सर्व करेंगे, जिसमें मैंने लिए प्याज, टमाटर, खीरा, ग्रेटेड कैरेट्स, चिली फ्लेक्स, रोस्टेड क्यूमिन जिसको मैंने दरदरा कूट लिया था,
थोड़ा सा इसमें डाला है रेड चिली पाउडर, नमक, और साथ में डाला है ये चाट मसाला, थोड़े से पुदीना और धनिया के कटे हुए बारीक पत्ते, और इसमें डालेंगे दही और मिक्स करके इसको बना लेंगे। एक बहुत ही डिलिशियस सा कलरफुल सा रायता तैयार हो जाता है जिसको आप बिरयानी, पुलाव, मसाला राइस किसी भी चीज़ के साथ सर्व कर सकते हैं। क्वांटिटी इसलिए नहीं बता रही हूँ क्योंकि आप अपनी मर्ज़ी से घटा बढ़ा सकते हैं और अपनी पसंद के वेजीज इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं, सैलड के जो आप इस्तेमाल करना चाहते हैं। मिक्स कर दिया इसको अच्छी तरीके से और बस ये तैयार हो गया है हमारा डिलिशियस रायता जिसको हम सर्व करेंगे मसाला राइस के साथ। देखिए राइस में उबाल आने लग गया, जैसे उबाल आने लग गया इसको मीडियम फ्लेम करके ढक्कन ढक के पकाना है जब तक पानी इसमें इस तरीके से सूख ना जाए। जब पानी इस तरीके से सूखा नजर आए 10-12 मिनट जिसमें आपको लग जाएंगे, तब आपको इसके ऊपर डाल देना है चिकन के जो पीसेज आपने स्टर फ्राई करके तैयार करे हैं, और बस ऊपर डाल देंगे थोड़ा सा बारीक कटा हुआ धनिया और पुदीना और ढक्कन ढक के इसको धीमी आँच पे 10-12 मिनट के लिए और छोड़ेंगे जब तक चावल कंप्लीटली नहीं पक जाते। तो ये देखिए मैंने इसको पकाकर तैयार कर लिया है और ये बिल्कुल रेडी है, पर गैस का फ्लेम बंद करके ढक्कन ढक के अब इसको 15-20 मिनट के लिए आप इसी तरीके से छोड़ दें। 15-20 मिनट बाद इसको सर्व करेंगे तो चावल एकदम खिले खिले नजर आएंगे। चिकन के पीसेस को अलग कर लें ऊपर से और पहले लगाएं आप सर्विंग ट्रे या बाउल जिसमें भी आप सर्व कर रहे हैं, इस तरीके से पहले आप सर्व करें राइस और उसके ऊपर लेयर करें ये स्टर फ्राइड चिकन। तो लग रहा है ना ये चिकन एकदम लाजवाब, साथ साथ में ये एरोमेटिक डिलिशियस राइस, और चिकन तो है ही हमारा इतना फ्लेवरफुल क्योंकि अलग से हमने उसको स्टर फ्राई करा है तो चिकन सॉगी भी नहीं होता है, थोड़ा सा क्रिस्प क्रंच रहता है चिकन, बहुत ही लाजवाब बनकर आती है ये रेसिपी। इसको रायते के साथ, चटनी के साथ सर्व करें और इन्जॉय करें ये डिलिशियस रेसिपी, आई एम श्योर आपको बहुत अच्छी लगेगी ये। इसका टेस्ट भी बहुत ही लाजवाब है और बनाने में भी बहुत ही सिंपल है, इवन बिगिनर्स भी इसको बहुत ही ईजिली बना सकते हैं। आई होप आपको ये रेसिपी पसंद आई हो, मैं कर रही हूँ इसे इन्जॉय आज लंच में अपनी फैमिली के साथ। आप भी किस बात की वेट कर रहे हैं, जस्ट ट्राई दिस वन आउट एंड डू लेट मी नो हाउ दिस वन केम आउट फॉर यू इन कमेंट सेक्शन। मैं इंतज़ार करूँगी आपके कमेंट्स का कि कैसी लगी आपको ये रेसिपी। जब तक दोबारा रेसिपी लेकर आती हूँ तब तक आप इसे बनाकर ट्राई करें और बाकी रेसिपीज भी चेकआउट करना बिल्कुल ना भूलें। जल्दी मिलूंगी एक और नई रेसिपी के साथ, तब तक गॉड ब्लेस, बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे सेफ।